बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, वैसे तो हम डेली बेसिस पे सियासत को डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन आज आप देख सकते हैं मेरी बैकग्राउंड में, आप देख सकते हैं कि आज कुछ मुख्तलिफ सा हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में गर्ल्स कॉलेज में, और यहाँ पे आप बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं, यहाँ पे गर्ल्स हैं। वर्ल्ड स्काउट डे है आज, और गर्ल्स जो स्काउट की लॉन्चिंग की जा रही है, मेरे साथ मौजूद हैं, स्काउट्स के हवाले से जो बात करने जा रहे हैं हम। यहाँ से इनका जो आज ये प्रोग्राम है, इन बच्चियों को लेके जाना का, ऊपर लेके जाने का, वहाँ के एक तकरीब जो है उसका इनकार किया गया है। कुछ जो है इनको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी इनामात की, वो भी देखेंगे, लेकिन आपको दिखाएंगे कि आज जो है सियासत से हट के ज़रा हम बात करना चाह रहे हैं। मुझे बताइएगा जी, बड़ी अच्छा आज नज़र आ रहा है पूरे कॉलेज में हमें जो है, तकरीबन कितने बच्चियाँ हैं और ये क्या क्या दिन है आज? आज है वर्ल्ड स्काउट डे, और इसकी सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं। इसके साथ ही गर्ल्स स्काउट की इनॉग्रेशन है, लॉन्चिंग। उसका मकसद ये है कि इससे पहले हमारे इस्लामाबाद में गर्ल्स स्काउट्स नहीं थी। हमने वर्ल्ड स्काउट डे के ऊपर इसका इंतखाब किया कि बच्चियों को अवेयरनेस हो, इनको हम आउटसाइड द क्लासरूम ले जाएं और उनको बताएं कि ये भी एक दुनिया है जो कि देखनी है। इसलिए हमने पिछली एक वर्ल्ड स्काउट कॉन्फ्रेंस हुई थी, हम उधर गए हुए थे, तो उन्होंने 10,000 बच्चियाँ जो थीं उनको सिलेक्ट किया और पूरे शहर के अंदर उनकी पोस्टिंग थी और हर जगह वो हमें गाइड कर रही थी। बिल्कुल सही है। मैं बार दुराने हम जो जब जाएंगे इंशाल्लाह गुफ्तगू करते रहेंगे। नाज़रीन, मैडम हमारे साथ मौजूद हैं। या अच्छा, इसका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है आज बच्चियों के लिए, ये दिन आप स्पेशली आप मना रहे हैं, ये यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, जैसे कि हम डेली बेसिस पे सियासत की भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, आज ज़रा हम भी चाह रहे हैं कि मौजू डिफरेंट हो। एकेडमिक्स के साथ साथ जैसे हम उनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाते हैं और उनकी जो बाकी फिज़िकल उनके स्पोर्ट्स करवाते हैं, तो ये भी बच्चों की एक हेल्दी पॉजिटिव एक्टिविटी है। एक तो ये कि गर्ल्स को भी वही अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जो कि बॉयज़ को मिलती हैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, तो और गर्ल स्काउट्स का इंट्रोडक्शन भी हो रहा है फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद स्काउट्स एसोसिएशन के साथ, तो इसलिए हम बच्चों को एक पॉजिटिव हेल्दी एनवायरनमेंट और एक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए हमने इस्लामाबाद बॉय स्काउट्स के साथ ये कोलैबोरेट किया। अप्रॉक्सीमेटली कितनी जो है बच्चे? तकरीबन 370 बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, और अगर टीचर्स को भी इंक्लूड कर लें तो ये अराउंड अबाउट 500 की स्ट्रेंथ इस वक्त है हमारे साथ। क्या आपने जो प्रोग्राम तरतीब दिया है उसमें क्या है? यहाँ से हम हाइक स्टार्ट करेंगे और हमारे साथ एम्बुलेंस भी होगी और फर्स्ट एड का एक ग्रुप है वो भी हमारे साथ होगा। हम ट्रेल 1 से डामनेको तक पहुंचेंगे, वहाँ पे इनको फर्स्ट एड की एक छोटी सी कैंप लगा हुआ है, वो ट्रेनिंग भी देंगे। उसके बाद बच्चों की सर्टिफिकेट्स हैं, अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स, वो हमारे डीजी साहब वहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट हैं इस इवेंट के, वो बच्चों को उनकी हौसला अफजाई के लिए टीचर्स में और बच्चों में वो सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर थोड़ा सा हल्का फुल्का बच्चों की रिफ्रेशमेंट है, उसके बाद इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। जी नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिएगा, आज आपको दिखाते हैं कि कैसे ये बच्चे जो हैं ये ऊपर जाएंगे, हाइक के ज़रिए ऊपर जाएंगे, उसके बाद जो है मुझे बताएं कि ऑब्जेक्टिव ये यानी फ़र्स्ट एड और छोटी छोटी ट्रेनिंग्स जो हैं हमारे बच्चों के पास नहीं होती, कहीं आग लग जाए वहाँ पर नहीं होता, जो हम देख रहे हैं कि जो लैक करती है हमारे इंस्टीट्यूशंस में, और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो आपके समय से कितनी कारमंद होती हैं बच्चों के लिए? ये सर, गर्ल गाइड का सिस्टम बड़े अरसे से चल रहा था, अभी नेशनल स्काउट्स हमारे हेड ऑफिस की तरफ से ये गर्ल स्काउट्स हमने पहली दफ़ा ये लॉन्च कर रहे हैं, और पहले बॉय स्काउट्स होते थे, उनको ये सारी फर्स्ट एड ये सारी अवेयरनेस होती थी। तो ये शेख अब्दुल साहब की भी ख्वाहिश थी नेशनल लोगों के साथ कि लड़कियों में भी एक ऐसा अवेयरनेस आनी चाहिए, ताकि वो लड़कियां जो है ना वो भी स्काउट्स की जो एक्टिविटी आउटडोर होती है ना, हाइक होती है, गैजेट वर्क होता है, तो ये बच्चियाँ भी स्काउटिंग में सीखें। तो इसी सिलसिले में आज ये पहली दफ़ा ये 22 फरवरी को वर्ल्ड स्काउट डे पर हम ये लॉन्च कर रहे हैं, तो अल्लाह करे इन बच्चियों को जो है ना ये अवेयरनेस पॉजिटिवली जाए और ये बच्चियाँ भी हमारे मुल्क की खातर वो खिदमत करें। जी मैडम, आप भी इनको लीड कर रहे हैं, ज़रा बताएं कि क्या एनर्जी है बच्चों की, अब ऊपर पहुंच जाएंगी? वैसे जी इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचेंगी, और ये बच्चियाँ इतनी एक्साइटेड हैं, वजह यही है कि इनको बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता। घरों में भी वो यही होता है कि साथ कोई होगा तो जाएंगे, और कॉलेज में भी ऐसी एक्टिविटीज़ अब नहीं होती, ट्रिप्स वगैरह अरेंज नहीं हम कर सकते सिक्योरिटी की वजह से, तो अब माशाल्लाह सिक्योरिटी का भी सही इंतज़ाम है और बच्चियाँ इतनी एक्साइटेड हैं कि सुबह 8 बजे से हम लोग लाइनों में लगे हुए हैं कि हमने बस जाना है ऊपर। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि बड़े जज्बे और हिम्मत के साथ ये बच्चियाँ प्रूव करेंगी कि हम बॉयज़ से कम नहीं हैं।
अब कितना जज्बा है, ये कितना इम्प्रूव जो है प्रूव करेंगे इस बात को, हम चलते हैं इनके साथ ही। नाज़रीन आप हमारे साथ रहिएगा, आप देखते रहिए कि ऊपर हम पहुँचेंगे और ये बच्चे हैं वहाँ पर कैसे पहुँचते हैं। यहाँ इनके साथ जो असातिज़ा हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और ये बड़ी खुशायन बात है कि इस्लामाबाद में इससे पहले हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम भी किए जाते थे इससे पहले। अब दहशतगर्दी जो पाकिस्तान जिस लहर से गुजरा है उसके बाद आज ये उम्मीद की किरण हमें नज़र आ रही है कि जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि मोर देन 500 जो आज यहाँ पर जो तादाद मौजूद है लड़कियों की, और ये फ़र्स्ट टाइम ये लॉन्च करने जा रहे हैं जो वर्ल्ड स्काउट डे पे, यानी बच्चियों की जो आज लॉन्चिंग है, तो इसमें देखना यह है कि क्या किस हद तक ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चों के लिए जो है वो कारामंद साबित होती हैं। तो ये चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये बच्चे ऊपर जाते हैं और वहाँ पे बाकायदा तो है तौर पर जो है वो तकरीब का जो है वो इंतज़ाम किया गया है। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि आज ज़रा हट के हम सियासत से हट के भी ज़रा कोई बात कर लेते हैं, डेली बेसिस पर हम सियासत पर बात कर रहे होते हैं। जी नाज़रीन, अभी सफ़र जो है वो तय हो रहा है और उम्मीद है कि नज़दीक ही है, अभी तक किसी को कोई इल्म नहीं है कितना सफ़र रह गया है, लेकिन बच्चों का आप देख सकते हैं जोश व जज्बा अभी तक मौजूद है। अब बच्चे जो आ रहे हैं इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे कितना आपका जोश जज्बा है और कितना रह गया, बच्चे बताओ कितना रह गया पीछे? हमें बहुत मज़ा आ रहा है, अभी हम काफ़ी रास्ता चल के और आगे भी बहुत ज़्यादा रास्ता चल रहे हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। तो सांस क्यों है? बहुत सांस फूल के इतना चढ़ गया है। पानी जी, पहले भी कभी ऐसा हुआ है? फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं, फर्स्ट टाइम, मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूं यहां पे। कौन से कॉलेज, स्कूल से? आईसीजी F62 से जी। सब बच्चे उधर से? नहीं, जी डिफरेंट कॉलेजेस से, IMCG, ICG। तो क्या इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए जी? ये पहले नहीं हो रही? नहीं, पहले नहीं हो रही, फर्स्ट टाइम हुई है ये वाली स्काउट वाली। सही, चलो ठीक है जी। बच्चे आप देख सकते हैं कि एक बड़ी लंबी लाइन है, आपको नज़र आ रहे होंगे, और ये मुख्तलिफ जो कॉलेजेस के बच्चे हैं और जो जोश व जज्बा इनमें नज़र आ रहा है, और वर्ल्ड स्काउट डे आप देख सकते हैं कि गर्ल्स के लिए स्पेशली आज जो है उसके अरेंज किया गया है, और ये आप देख सकते हैं। कैसा लग रहा है बेटा? बात करो ना, यहाँ खड़े हो थोड़ी देर। पहले भी कभी आए हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम है मेरा, तो इनका सेकेंड टाइम है, मेरा फर्स्ट टाइम है। आप फर्स्ट टाइम? सेकेंड टाइम, पता नहीं, इस जगह पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, वैसे ट्रेल 5 पे गई थी। अच्छा, ट्रेल 5 पे गई थी। तो आप किस कॉलेज, स्कूल से? IMCG 84 फॉर गर्ल्स। तो आपको क्या लग रहा है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। यानी आप आज की एक्टिविटी को एक तरफ आप देखें कि आप हाइक भी कर रहे हैं, वो सेहत के लिए भी ज़रूरी है, और दूसरी तरफ हम इंजॉय भी कर रहे हैं, तो आप क्या आज वर्ल्ड जो स्काउट डे है और गर्ल्स के हवाले से आज लॉन्चिंग है, आप क्या समझते हैं कि एक्सपेक्टेशन क्या है आपका, कितने अरसे के बाद एक इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए? ये तो हर महीने भी होनी चाहिए, हर महीने भी होना चाहिए और हर बार हमें आना चाहिए, हमें फुल जोश और जज्बे से जाना, पार्टिसिपेट इन चीज़ों में करना चाहिए। बच्चों का तो ये कहना है कि हर माह में होना चाहिए, और गुज़िश्ता कितने अरसे में आप देख सकते हैं कि ये एक्टिविटीज़ नहीं हुई, दहशतगर्दी के हवाले से अगर हम बात करें तो उनके साथ असातिज़ा भी हैं, लग तो ऐसा रहा है कि वो थक चुके हैं और बड़े बड़े डंडे उठाए हुए हैं बच्चों ने। अब देखना क्या है कि आप किसी को पता है कितना रह गया पीछे? ये नहीं, अभी तक एम्बिग्विटी है मुकम्मल, किसी को ये इल्म नहीं है कि कितना बाकी रह गया है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आज बच्चे जो हैं बड़े उनमें जज्बा नज़र आ रहा है, और हर बच्चे की ख्वाहिश है कि हर माह के बाद इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। कुछ ये आप देख सकते हैं कि एक लंबी लाइन मौजूद है यहाँ पे, और बड़ी अच्छी बात है कि जो जिस तरीके से 9/11 के बाद दहशतगर्दी के बाद तमाम स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में अटैक्स भी हुए, दहशतगर्दी की एक लहर जो है पाकिस्तान में नज़र आई, उसके बाद इस तरह की एक्टिविटीज़ का होना खुशाइन है, और ये एक उम्मीद की किरण भी है कि पाकिस्तान और स्पेशली इस्लामाबाद में जो है वो दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन हुआ है। और स्पेशली अगर हम बात करें गर्ल्स के हवाले से, स्काउट डे गर्ल्स के लिए आज स्पेशली ये मनाया जा रहा है, इससे पहले बॉयज़ की तो बात की जा रही थी, लेकिन ये बड़ी आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप समझते हैं कि एक आउट ऑफ द वे जाके एक एक्टिविटी है, और डेली बेसिस पर हम भी सियासत पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि ये बच्चे जिस तरीके से मुख्तलिफ इस्लामाबाद के स्कूल्स कॉलेजेस के बच्चे हैं, और ये एक हेल्दी एक्टिविटी जो है वो देखने में नज़र आ रही है। अब
کیا اس جو سلیبس پہ باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں کہ کیا ہمارے ہاں جو کریکلم ہے نصاب ہے اس کا حصہ بھی جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے؟ پہلے ہوا کرتی تھی، اس کے بعد شاید اب نمبر گیم کے پیچھے سارے لوگ بھاگنا شروع ہو گئے۔ پیرنٹس کی بھی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کے بچے میکسیمم نمبرز لیں، لیکن اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی طرف شاید ابھی ہمارا رجحان کم ہوا ہے۔ لیکن آج خوشائند یہ نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف کالجز کے جو بچے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ ورلڈ اسکاؤٹ ڈے کے حوالے سے، گرلز کے حوالے سے اسپیشلی ایکٹیویٹی رکھی گئی ہے۔ اسلام آباد مختلف کالجز کا اکٹھے ہونا، اس کے بعد اس روٹ سے اوکے دامنے کو میں جانا، ایک ہیلدی ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک سوشل گیدرنگ بھی ہم سمجھتے ہیں، جہاں بچوں کو آج آزادی ملتی ہے کہ وہ آپس میں جو ہے وہ گل مل سکیں، بات کر سکیں، اور جیسے آپ کو آوازیں بھی آ رہی ہیں، کوئی گنگنا رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں، لیکن کچھ تھک بھی گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے بچے جو ہے اوپر تک پہنچ سکیں۔ ہم بہت خوش ہیں کیونکہ ایسے ایونٹ کروانے چاہیے، ہم لوگوں کو لے کے آنا چاہیے، اویئرنیس پھیلتی ہے۔ اور آپ کو لے کے آئے، اویئرنیس پھیلتی نہیں، ہم سب کو لے کے آئے اس طرح اویئرنیس۔ پہلے کبھی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے؟ نہیں، فرسٹ ٹائم۔ فرسٹ ٹائم کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ کے سلیبس کا حصہ بنانا چاہیے؟ کتنے عرصے بعد یہ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے؟ میرے تو پہلی دفعہ ہی ہوئی ہے۔ نہیں، کتنے عرصے بعد ہونی چاہیے ایکٹیویٹی، بچے کیا سمجھتے ہیں؟ سال میں 2-3 دفعہ تو ہونی چاہیے۔ بچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ضروری ہونی چاہیے۔ اور اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھیلوں کے باقاعدہ میدان سجا کرتے تھے، مقابلے ہوا کرتے تھے، لیکن اب بارہا میں مجھے وہی الفاظ یوز کرنے پڑتے ہیں کہ نمبر گیمز کی بات ہو رہی ہے، کہ جو نمبرز کس کے زیادہ ہیں، اور اسی بیس پہ ہم ایک اسٹڈی ہماری جو ہے ایک چل رہی ہے۔ اور یہ ایک، لیکن اس سے ہٹ کے بھی اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو ہیلدی مائنڈ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز جو ہوں گی اسی سے بنتا ہے، لیکن ابھی ہمیں سوچنا ہوگا۔ اور جس طریقے سے اسلام آباد کی انوائرمنٹ ہے، اور جو ایک خوشائند بات یہ ہے کہ دہشت گردی کا جو خاتمہ ہوا ہے، اس کے بعد اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے۔ اور اگر خصوصاً بات کریں گرلز اسکاؤٹ ڈے کے حوالے سے، اس کا آج باقاعدہ اس کی لانچنگ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ گرلز اسکاؤٹس کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا تھا اسلام آباد میں، بوائز اسکاؤٹس کے حوالے سے موجود تھا، لیکن آج یہ جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے یہ گرلز کے اسکاؤٹ ڈے کے حوالے سے جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ جی ناظرین، آوازیں تو آپ کو مختلف قسم کی آ رہی ہوں گی، یہاں پہ بچے جو ہے وہ پورے اب جنگل میں بچے ہی بچے نظر آ رہے ہیں۔ اب کچھ بچے میرے ساتھ بھی ہیں، کیسا لگ رہا ہے بھی آپ کا جوش و جذبہ جو ہے کیسا ہے؟ ابھی تو اوپر جانا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت ایکسائٹیڈ ہے ہم، ابھی تو ہم نے شروع کیا ہے، اور اگر جب ہم اوپر پہنچ جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کتنا انجوائے کیا ہے اور کس طرح سے ہم اوپر آئے ہیں، اور پتہ چلے گا کہ واقعی میں کوئی گرلز آئی ہیں یہاں پہ۔ پہلی دفعہ یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں؟ ہماری جو ہے یہ تو فرسٹ ایکٹیویٹی ہے، تو آئی ڈونٹ نو کہ اور کسی اسکول سے گئے ہوں۔ جی ناظرین، آج ہم ہائکنگ کر رہے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے جو ہے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلام آباد ماڈل کالجز کے جو بچے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج، اور ہائکنگ کے لیے اوپر کی جانب جو ہے یہ جوان ہیں اوپر کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کالجز میں ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں، اور یہ ورلڈ اسکاؤٹ ڈے ہے جس میں آج جو ہے وہ یہ آج کہا جا رہا ہے کہ لانچنگ ہے گرل اسکاؤٹ ڈے کی آج اسلام آباد میں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 500 سے زائد تعداد جو ہے اسلام آباد کے ماڈل جو کالجز ہیں ان کی ہے، اور یہ اوپر دامنے کوہ کی طرف جو ہے وہ ہائک کرتے ہوئے آج نظر آتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہاں تک کتنے اسٹوڈنٹس پہنچ سکتے ہیں، کتنے نہیں پہنچ سکتے، کیا جوش جذبہ ہے ان کا، اور آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں مزید بھی کہ ان کے ساتھ کچھ اساتذہ بھی موجود ہیں، کچھ اسکاؤٹ جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور ان کا جوش و جذبہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی تک تو بہت زیادہ ہے لیکن اوپر چلتے وہ پتہ چلے گا کہ کتنا جذبہ ہے۔ جی ناظرین، فائنلی ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسمیل یہاں پہ موجود ہے، گندگی کے ڈھیر ہیں، کیمرہ کی نظر اگر آپ کو دکھائے تو یہ خوبصورتی ہے اسلام آباد کی۔ دامنے کو کے نزدیک ہم پہنچے ہیں، یہ فرسٹ ایکٹیویٹی ہے گرلز اسکاؤٹ کے حوالے سے، اور فائنلی یہ پہنچ رہے ہیں، لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہاں پہ جو گندگی جو ہے یہاں پہ صاف بھی ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو جو ہے وہ اوپر ایک وہ کرنا چاہیں اگر، لیکن باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خوش اچھی ایکٹیویٹی آج آپ کو دیکھنے میں نظر آئی ہے کہ گرلز کے حوالے سے، گرلز اسکاؤٹ ڈے کے حوالے سے آج
गर्ल्स के लिए एक्टिविटी रखी गई है, लेकिन आज फाइनली यहाँ पे दामना को जो है ये तमाम जो कॉलेजेस हैं मुख्तलिफ स्कूल्स हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। अब उनका जोश व जज्बा क्या है, अब बताएं जी क्या कैसा फील हो रहा है? अब पहुँच गए, नेक्स्ट दोबारा नहीं आएंगे आप? नहीं आएंगे, दोबारा नहीं आएंगे, रोज रोज आएंगे। अब आप देख लें बच्चों की जो यहाँ पे गर्ल्स की स्पेशली अगर हम बात करें तो एक जोश व जज्बा मौजूद है, और उनका कहना यह है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर करूँगा कि ये आप देख सकते हैं, यूँ ही यहाँ पे हम पहुँच रहे हैं तो यहाँ पे स्मेल मौजूद है, गंदगी के ढेर यहाँ में नज़र आ रहे हैं। हमें एक ये भी चाहिए कि हमें बाकायदा डस्टबिन में ये जितने भी यहाँ पे रैपर्स नज़र आ रहे हैं ये डस्टबिन में डालने चाहिए, बजाय इसके कि हम इस तरह का फेंक रहे हैं और अब इस तरह स्मेल जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इसको भी हमने ख़ुद ही देखना है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज यहाँ पे वर्ल्ड स्काउट डे के हवाले से गर्ल्स के लिए ये आज तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें इस्लामाबाद के मुख्तलिफ कॉलेजेस जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया, और F-62 से और ये जो इस्लामाबाद चिड़ियाघर से ये रूट जो है उस पर आए और फाइनली अभी दामने को में पहुँच चुके हैं, और अभी इसमें जितने भी मुख्तलिफ कॉलेजेस के बच्चे जो थे वो यहाँ पे पहुँचे हैं, और अब उनका जो जोश जज्बा है वो आप देख सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं क्या इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वैसे? हाँ ज़रूर होनी चाहिए, बहुत मज़ा आता है, थके हैं पर हिम्मत अभी भी है, होनी चाहिए, एंजॉय कर रहे हैं हम। अच्छा बताएं कैसा फील हो रहा है जी अभी पहुंच के? बहुत ज़्यादा थकावट थकावट हो गई है जी, कुछ तो जा रहा है उनको, फर्स्ट टाइम आएंगे तो थकावट होगी, लेकिन एक अच्छी एक्टिविटी हमें देखने में नज़र आई है। दहशतगर्दी के बाद जिस तरीके से कॉलेज स्कूल्स और जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनको निशाना बनाया जा रहा था, उसके बाद दहशतगर्दी में एक वाज़े कमी जो है हमें देखने में नज़र आई, और आज इस तरह की जो एक्टिविटी है वो आपको देखने में नज़र आ रही है। खुशाइंद है जो स्काउट डे के हवाले से अगर गर्ल्स के लिए स्पेशली ये डे रखा गया, जिसमें हमने जिस बच्चे से भी पूछा उनका यही कहना है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो होनी चाहिए और बाकायदा उनका जो करिकुलम है उसका हिस्सा बनाना चाहिए।